हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो टैली के ऊपर है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको टैली में सिखाऊंगा कि आप जो बाउंस चेक होती है या चेक जो रिटर्न होती है उसकी एंट्री आप टैली में कैसे पास करेंगे। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका मैं बताऊंगा जो कि जनरली लोग करते हैं, और इससे पहले मैं भी यही यूज़ करता था, लेकिन वो परफेक्ट प्रोसेस नहीं है। जो मैं सेकंड प्रोसेस बताऊंगा वो एक परफेक्ट प्रोसेस है। आपको मैं दिखा देता हूँ डे बुक में जाकर। सबसे पहले मैंने श्याम नाम का मेरा डेटर है, उसे मैंने 150 रुपये की पेन बेची। अब उस बंदे ने मुझे क्या किया, 5 रुपये, सॉरी मैं फर्स्ट प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ, 10 रुपये मुझे उसने पेमेंट की थ्रू बैंक। तो उसकी एंट्री क्या है, तो पहले मैं आपको सेल की एंट्री दिखा दूं कि सेल की एंट्री मैंने कैसे की थी। मैंने सेल की एंट्री इस तरीके से की थी कि श्याम, उसका नेम लिखा पार्टी नेम में, उसका पेन 10 पीस 15 रुपये के रेट से 150 रुपये हुए, टोटल वैल्यू ये हो गई। उसके बाद उस बंदे ने मुझे पेमेंट की, तो मैंने उसकी एंट्री कहाँ पास की होगी, मैंने उसकी एंट्री पास की रिसिप्ट वाउचर में। मैंने बैंक नाम दिया है, बैंक में आप जो भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पर सिर्फ इंडिकेट करने के लिए उसका नाम ही बैंक दे दिया। उसके बाद मैंने नीचे दिखा दिया, यहाँ पर मैं सिंगल एंट्री मोड में करता हूँ एंट्री। अगर आप जर्नल जानते हैं और अगर आप डबल एंट्री करना चाहते हैं, तो इसमें यहाँ पर जाकर आप कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर सिंगल एंट्री को बंद कर देंगे। यहाँ पर ये जो सिंगल एंट्री मेरी यस है, इसे नो कर देंगे, तो आप अपना डेबिट और क्रेडिट में भी एंट्री पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंगल एंट्री यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको उसी में दिखा रहा हूँ। बैंक मैंने कर दिया क्योंकि रिसिप्ट मेरे पेमेंट बैंक में हो रही है और श्याम दे रहा है 10 रुपये। अब उसकी चेक बाउंस कर गई, उसके खाते में पैसे नहीं है, साइन नहीं मिली, उसने खाता नंबर गलत लिखा था, गलत तरीके से चेक भर दी थी, रीजंस कुछ भी हो, उसकी चेक बाउंस कर गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जनरली लोग क्या करते हैं, चाहे मैं भी इससे पहले क्या करता था। तरीके और भी हो सकते हैं, अगर मुझे इससे अपडेट तरीका अगर पता चलेगा जो मैं आज बता रहा हूँ, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जब आप टैली में या भी किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री पास करें, तो एक बेटर तरीके से करें कि कोई भी बंदा उसे देख कर बोले कि हाँ, इसने वेल मेंटेन रखा है अपने अकाउंट को, और सामने वाले बंदे की एंट्री को देखने से पता चल जाए कि उसने क्या एंट्री पास की है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, पेमेंट में एंट्री कर देते हैं, मतलब कि वो काटते हैं कि एक बार रिसिप्ट हो गया, एक बार पेमेंट हो गया, तो ऑटोमेटिक पैसा जब पॉजिटिव और निगेटिव होता है तो पैसा कट जाता है, जीरो हो जाता है। तो क्या करते हैं कि एक बार पेमेंट रिसिप्ट में उसने रिसीव की, अब बाउंस कर गई, तो क्या करेंगे, पेमेंट में जाकर बैंक लिख देंगे, उसके बाद श्याम का नाम लिख देंगे, 10 रुपये डाल देंगे, और नरेशन में लिख देंगे बाउंस चेक ड्यू टू ये, उसमें रीजंस डाल देंगे कि जिस रीज़न की वजह से बाउंस की चेक। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो डे बुक में या बैलेंस शीट में, मैं आपको लेके चलता हूँ कि बिना एंट्री में अंदर जाए आप बता दो कि क्या एंट्री पास की है उसने, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि फर्स्ट आप देखोगे कि उसने सेल किया, फिर उसी बंदे से उसने रिसिप्ट किया, उसके बाद उसे पेमेंट की। आप ये सोचोगे कि उसने उसे पेमेंट क्यों की, यहाँ पर आप देख सकते रिसिप्ट किया, उसके बाद पेमेंट किया। आप ये सोचिए कि जब उसी ने उसे सेल की, उसने उसे पैसे लिए, तो फिर वापस पेमेंट क्यों की। अगर आप यहाँ से देखोगे वाउचर, पेमेंट वाउचर में एंट्री की गई है, तो कितना अजीब लग रहा है। करते हैं लोग और इस तरीके से आप कर भी सकते हैं, लेकिन ये सही प्रोसेस नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने जो दूसरा तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ प्रोसेस सही है, क्योंकि पेमेंट की बात नहीं आनी चाहिए कि पेमेंट की, मैं उसे पेमेंट करूंगा क्यों, सबसे पहली बात है। अब वो अंदर जाके जब मेरा नरेशन पढ़ेगा, खाली एंट्री अगर मैं मान के चलो मैंने एंट्री पास की लेकिन नरेशन मैंने नहीं लिखा, तो कोई बंदा कैसे समझ सकता है कि मैंने उसे पेमेंट नहीं किया। हो सकता है उसने मुझे 10 रुपये दिए, उसके बाद कोई रीज़न है जिसकी वजह से मैं भी उसे 10 रुपये दे रहा हूँ, उसके नेक्स्ट बिलिंग था या कुछ और रीजंस हैं, या मैं उसे एडिशनल डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं उसे कैश में दे रहा हूँ 10 रुपये। तो रीजंस बहुत हो सकते हैं, कोई उसे समझ नहीं पाएगा कि वो बाउंस चेक की ही एंट्री है, उसके लिए नरेशन उसे पढ़ना मस्ट है। लेकिन जो मैंने एंट्री पास की है कि रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट तो सेम प्रोसेस से होगा, लेकिन अब बाउंस करेगा तो उसके लिए क्या मैंने एंट्री पास की है? मैंने उसे जर्नल में पास किया एंट्री को, जर्नल में मैं कॉन्फिगरेशन में चला गया, उसके बाद मैंने ये जो
कैश का है, अलाउ कैश अकाउंट्स इन जनरल, इसे मैंने यस कर दिया ताकि बैंक एंट्री मैं इसमें पास कर पाऊँ, इसीलिए उसे यस करना जरूरी है। कैश और बैंक को अगर जनरल में आपको एंट्री पास करनी है तो उसे यस करना मस्ट है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, डेबिट में श्याम कर दिया 5 रुपये, क्योंकि उस वाले बिल में उसने मुझे 5 रुपये दिए थे, रिसिप्ट में 5 आए थे, इसलिए मैंने बाउंस भी 5 का किया, क्योंकि बाउंस पूरा अमाउंट होता है, कभी भी नहीं होता कि आधा पेमेंट आ गया आधा बाउंस किया, चेक जब भी बाउंस होती है फुल अमाउंट से बाउंस होती है। और मैंने नीचे में क्रेडिट में बैंक कर दिया, बैंक का नाम जो भी हो आप डाल दीजिएगा आपकी जो भी बैंक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लेंगे कि ये रेड रंग में क्यों, क्योंकि मेरे बैंक में बैलेंस नहीं थे, जीरो बैलेंस था, इसीलिए यहाँ पर ये रेड रहा है, इससे एंट्री का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे, भले अगर आप वो नरेशन लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, किसी को समझने में आसानी होगी, लेकिन अगर आप नरेशन नहीं लिखते हैं तो कोई भी ये नहीं समझ सकता है कि इसको पेमेंट किया गया, जरूर समझेगा कि इसकी कोई और रीज़न है जिसकी वजह से इस एंट्री को पास किया गया है। तो इस तरीके से आप एंट्री पास कर सकते हो, आप चाहें तो दोनों तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बेटर प्रोसेस आपको यही है एंट्री पास करने का। अगर इससे भी अच्छा कोई प्रोसेस होगा, अगर मुझे आगे लगा कि हाँ प्रोसेस है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है या पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।